अच्छा जी, ये देखें, ये अचार जो पहले सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, पहले लसोड़े उबाले हैं हमने, फिर सुखाए हैं, फिर उनको डंडियाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, आज भी इसी हवाले से हाजिर हुआ हूँ, मगर आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है पहले की नस्बत। जैसे दूसरी वीडियोज़ होती हैं प्रोडक्ट्स के हवाले से मैं बनाता हूँ, मगर जो आज की वीडियोज़ है ये लसूड़ों का अचार है उसके हवाले से है। जैसे जैसे ये अभी सीज़न, जैसे जैसे हम ये बनाएंगे इसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कैसे क्या इसका तरीकाकार है। बाकी जब तैयार हो जाएगा फिर आपको बताएंगे, फिर आपको रेट इसका क्या कॉस्ट आई है, क्या रेट हमने सेल करना है। तो अभी आपको मैं ये वीडियो के जन्म चलते हैं और पहले आपको दिखाते हैं ये छत के ऊपर हमने लसूड़े जो है मंडी से ला के इनको बॉयल करके छत के ऊपर डाला हुआ धूप लगने के लिए, ताकि इनका पानी ज़रा खुशक हो जाए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर पड़े हुए हैं। ये अभी इधर मैं हमें डाले हुए हैं, ये इनका पानी का इंशाल्लाह जैसे जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है फिर आपको साथ साथ दिखाई जाएंगे, और लास्ट में आपको रेट वगैरह बताएंगे और इसकी कास्ट बताएंगे किस रेट। अच्छा जी, ये लसूड़े हैं जो हमने पहले उबाइल किए थे, टहनियाँ वगैरह उतार के 60 किलो तकरीबन इनका वज़न था, फिर इनको धूप लगवाई है, इनका पानी जो है वो खुशक किया। अब ये इनका पानी वगैरह खुशक हो चुका है, और 60 किलो वज़न था टहनियाँ वगैरह उतार के और खुशक करके इनका पानी, ये 34 किलो रह गए हैं बाकी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अब ये मसाले हैं जो 34 किलो लसूड़े हैं उनके अंदर हमने डालने हैं। ठीक है जी। ये जो सौंफ है, आधा किलो ये सौंफ है, ये इसके बाद इसमें ये ज़ीरा डालेगा, 100 ग्राम ज़ीरा है। ये काली मिर्च साबत है 50 ग्राम, ये कलवंजी 50 ग्राम है, राई है 100 ग्राम। उसके बाद ये मेथरे हैं, ये आधा किलो है। उसके बाद ये धनिया साबत है, आधा पाव ये है। उसके बाद ये दादड़ मिर्च है, एक पाव पीसी हुई मिर्च आधा पाव है। उसके बाद हल्दी आधा पाव है। ये मिर्ची और हल्दी हम ऐसे ही रहने देंगे, बाकी ये जो मसाले हैं इनको हम ग्राइंडर के अंदर डाल के जो है दादड़ करेंगे, पीसना नहीं है दादड़। ठीक है जी। अभी मैं डाल के आपको दिखाता हूँ और फिर आपको बताते हैं आगे। जी, ये मसाले जो मैंने ग्राइंडर के अंदर डाले हैं, जो मैंने आपको बताए थे, वो हमने ग्राइंडर के अंदर डाल के ये देखें ये दादड़ कर दिए हैं। आप ये देख लें, ऐसे करने हैं आपने, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। बस एक 30 सेकंड अगर आप ग्राइंडर चलाते हैं, ये हमारी बड़ी वाली ग्राइंडर है, तो इसमें जो है ना दादड़ हो जाते हैं। अगर आप पाउडर बना देंगे, वो पाउडर अगर आप इसका बनाएंगे फिर ये अचार में अच्छा नहीं लगेगा। बाकी ये देख लें, इस तरह का आपने करना है। अच्छा जी, ये मसाला मिक्स किया हमने, जो दादड़ किया था, नमक वगैरह इसमें, मिर्चियाँ वगैरह मिक्स की हैं। ये नमक लहदा से पड़ा हुआ है, और ये इसमें लसूड़े डाल के साथ साथ ये हम इसमें डालेंगे ये मसाला, और साथ साथ लसूड़े डाल के मिक्स करेंगे। इस बाल्टी में तकरीबन 20 किलो के करीब आ जाता है अचार। ये लसूड़ों के अंदर हमने मसाला वगैरह मिक्स कर दिया। ये देखें, अब इसके ऊपर जो है हमने ऑयल डालना है। ये स्केल वगैरह रखा हुआ, सारा वेट करके हर चीज़ डाल रहे हैं। ये भी पड़े हुए हैं लसूड़े, बाकी ऑयल डालते हैं और आपको साथ दिखाते हैं। ये एक बाल्टी के अंदर 10 किलो लसूड़े हैं बस। ठीक, बाल्टी उठाना था और पाओ था। ठीक है जी। ये इस बाल्टी के अंदर हमने डाला है 10 किलो इसके अंदर लसूड़े हैं, बाकी ऑयल इसके अंदर डाला है। 10 किलो लसूड़ों के अंदर 4 किलो ऑयल है सरसों का। ये वाली बाल्टी इसमें भी इसी तरह ये 10 किलो लसूड़े हैं और 4 किलो ऑयल है सरसों का, और ये बाल्टी है इसके अंदर भी इसी तरह ही है। एक ही बाल्टी इधर पड़ी हुई है, इसके अंदर डालना है अभी। ये वाला जो अचार है ये अब तैयार है, अब हमने डाल दिया, 6-7 दिन तक इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये अचार जो पहले सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है, पहले लसूड़े उबाले हैं हमने, फिर सुखाए हैं, फिर उनको डंडियाँ वगैरह उतारी हैं, फिर मसाला वगैरह सारा हमने डाला था। ये अब अचार जो है लसूड़ों का बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये बाल्टी के अंदर है। ठीक है जी। अब हम इसे इस डिब्बे के अंदर पैक करेंगे। जितनी भी रेसिपी है सारी मैंने आपको दिखा दी है,
ये आपके सामने इसका कलर बड़ा अच्छा निकला है, ठीक है जी। जब पहले हमने इनको धूप वगैरह लगवाई थी थोड़ा सा ब्लैक कलर आ गया था इनका, मगर अब ये देखें गोल्डन कलर के बिल्कुल ज़बरदस्त हो गए हैं। तकरीबन इसे 7 से 8 दिन लगे हैं लसूड़ों के चार को तैयार होने में, सही जो नेचुरल इसका तरीक़ाकार है। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यही वीडियो थी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छी लगती है तो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।